धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सब के कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी, लेकिन सोचने की बात यह है कि ये वाक्य कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसे कम ही गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाएं भले ना देख पाएं, पर ये असल सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खतावश हम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए, और वही बातें जो जाने अनजाने हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाता है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को बतानी नहीं चाहिए थी। इससे पहले कि आप इस बोध कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में रिंकू नाम का एक युवक रहता था। वो युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था उसके पास, दो वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या बता दी। उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ तो हर कोई मुझे ये कहकर काम नहीं देता कि हमारे यहाँ काम की जरूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर करके थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा, अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वो काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास जाते तक नहीं हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी ताकि वो लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख लें। इसीलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम पा सकते हो। ये बात रिंकू के मस्तिष्क में बैठ गई, और अगले दिन काम मांगने के लिए वो उसी सेठ के पास जा पहुंचा जहां पर वो पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उस सेठ से प्रार्थना की, उससे विनती की कि वो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है, वो जो कुछ भी उसे देंगे वो उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर कृपया करके मुझे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसकी ये हालत देखकर उस सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वो खुश तो था कि उसे काम तो मिला, लेकिन उसे वेतन दूसरे लोगों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज्यादा वेतन मिल रहा था और इसे कम वेतन मिल रहा था। जब इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, तुम्हें काम की जरूरत थी, मैंने तुम्हें काम दिया, मेरा धन्यवाद करने के बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, ये कैसी भलमनसाहत है। ये सुनकर रिंकू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी, सच थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था और इसीलिए वो उसे अपने अनुसार ही वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये बात अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दी कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता रहा और रिंकू पूरी लगन के साथ अपना काम करता रहा, लेकिन अब परिस्थितियां बदलने लगी थी। सेठ अब रिंकू से दूसरे लोगों से ज्यादा काम लेता था और उनसे कम वेतन उसे देता था। ये बात रिंकू के मन को बहुत खलती थी। वो दूसरों से ज्यादा मेहनत कर रहा है और उनसे कम वेतन पा रहा है, इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा, उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसीलिए जल्द ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, इसीलिए उसने अपने सगे संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगनी शुरू की। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पात्र समझते थे, उसे दिलासा देते थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे। वो कहते कि कितना बेवकूफ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारे को पैसे भी नहीं दिए। अरे हम इसको पैसे दे दें तो ये कल हमारा भी पैसा वापस कर पाएगा, इसकी ऐसी हालत है,
काम तो इसके पास कुछ है नहीं, पैसा कहाँ से लाके देगा। और इसी वजह से रिंकू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सगे संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा करते थे, वो उसे दया का पात्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता है, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले, उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आगे चलाने वाले कितने लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चला कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रिंकू इतना तनाव में था कि उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था, इसीलिए जाने अनजाने वो उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सीधे उनके पैरों में गिरकर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थिति बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फायदा उठाया और उसके सगे संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप कराते हुए कहा कि भंते, ये सारी समस्याएं तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को दुखी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूलकर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर ही सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पनपते हैं। पहली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी मजबूरी। अपनी मजबूरी का दिखावा करके, दूसरों का दया पात्र बनके उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आज वो तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वो तुम्हारा फायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फायदा भी नहीं उठाया तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसीलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 रोटी है, सूखी रोटी है, तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है एक इंसान का? या तो वो दूसरों से सहानुभूति हासिल करना चाहता है, या उनसे कोई आर्थिक मदद चाहता है। लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियां आप देखें, तो दूसरा आदमी आपका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा, और अगर वो फायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नजर में तो वो आपको मूर्ख ही समझेगा, बेवकूफ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो जरूर बनाएगा। इसीलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि अगर हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा? वो गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है? आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा, और वो भविष्य में हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ, अपनी डींगे हाँकने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियों में बाधा जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही ना हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। तीसरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने घर की बातें। जो भी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ,
वो बातें परिवार तक ही सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों का दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटते हो तो दूसरों को आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और वो इसका फायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़ों को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे सगे संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर के लड़ाई झगड़े और ज्यादा बढ़ गए होंगे। और वो जाहिर है, वो बढ़ेंगे। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा ही कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को ये बातें बता रहा है। इसीलिए अपने घर की बातें और अपने घर के लड़ाई झगड़े किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन उसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी ना बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है? जरा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है तो आप ही उनकी मदद कर सकते हैं, और इसीलिए ज्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस आदमी के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन ये सहायता कर नहीं रहा है। और इसीलिए आपकी आमदनी आप दोनों दोस्तों के बीच एक झगड़े का कारण हो सकती है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे, तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है। अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसे अपनी गांठ बांध लेना और किसी को ये बात मत बताना, अपनी कमजोरियाँ और अपनी ताकत। अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है, लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की काट भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वो है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वो आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपके शत्रु का भी किसी को नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रिंकू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको ये बातें सच मालूम पड़ेंगी, और हमारा कहानी सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं।